हेलो दोस्तों, यार आज हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि जो कंपटीशन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग को जल्दी करना होता है। और जल्दी करने के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा एक्यूरेसी भी ले आएँ तो काम चल जाएगा, है ना। तो एक्यूरेसी कैसे आएगी आपको, शॉर्ट ट्रिक से आएगी। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उसको समझना है, और फटाफट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वहाँ जल्दी करना होता है। तो यार ये कैसे क्वेश्चन है ये कि ये एक ट्रेपीजियम है, सपोज एक ट्रेपीजियम है ये दिया है, और ऐसे ये ट्रेपीजियम है, इसमें ये साइड 8 है और ये 12, ये मिड पॉइंट है, ऐसे आपका ए बी सी डी, इसको हम कहते हैं ई और एफ, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये और ये दे रखा हो, यानी बी सी और ए बी दे रखा हो, तो हम कैसे ई एफ कैसे फाइंड करेंगे। तो सीधा थ्योरी होती है 1/2, ठीक है ना, 1/2 विदिन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड। भी ध्यान रखना कि पैरेलल है ये, पैरेलल और ये मिड पॉइंट, ठीक है, उसी कंडीशन में चले रहना होगा। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड बन गया सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस डी सी, डी सी हो गया। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, 12 प्लस 8, 1/2 ये क्या हो गया 20। तो 20 या तो 20 × 1/2 10, तो 10 जो है आपका, अब यार ये यूनिट कुछ भी हो सकता है ना, तो 10 यूनिट आंसर आपका हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, हालांकि ये आपने 9th, 8th, 9th में मिड पॉइंट थ्योरम है, ये वही है और कुछ नहीं है। बस फर्क क्या है कि वहाँ हमको इतने अच्छे तरीके से बताया नहीं जाता है, या हम ये कहें कि हमने उतना एक्यूरेसी से उसको सीखा नहीं, ठीक है। इसका वो भी दिखा देते हैं, तो यार थ्योरी होती है ऐसे, इसको हमने मिला दिया, ठीक, इसको हम कुछ मान लेते हैं, जीत कर देते हैं। तो रूल क्या होता है, इफ एनी लाइन ड्रॉन, इफ एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू बेस साइड, है ना, पैरेलल टू थर्ड साइड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट ऑफ अनदर साइड, एंड दैट लाइन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द बेस लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन की आधी होती है। तो भैया उस थ्योरी से ये आधा हुआ इसका, तो ये हो गया, ध्यान दो, ये हो गया 6, और इसके हिसाब से ये इसके पैरेलल, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये आधा हो गया इसका, तो ये 4, तो 6, 4, 10। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन होते हैं, और कंपटीशन सिर्फ 10 तक अगर ढंग से क्लियर है तो यार ये समझ लो 80% तैयार है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 12th की भी आती हैं, हम ये नहीं कहते कि 12th नहीं आती, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, जो हम लोग टिक्स भी निकालते हैं तो वो इसी से निकालते हैं, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है, देखिए, ठीक है। ऐसे मैं बताता रहूँगा, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी एंजॉय करिए और तैयारी करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, थैंक यू।